बहुत से आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी या आपके कई जाते होंगे तो अपने घर की चाबी आपको दे जाते होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने घर का अधिकार दिखकर चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मृत्यु की कुंजी अब मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 16वें पद में, और उसके 16वें पद में से हमने सीखा था कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है और उसका मुंह सूर्य के समान प्रज्वलित था। यह हमने ये बातें जो थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने पिछले संदेश में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 17 पद से लेकर 19 पद तक। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर अलग अलग पद को देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसका 17 से 19 तक। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। देखिए यहां पर इन 3 पदों में बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातें हम लोग पिछले संदेश में सीख भी चुके हैं, मगर जब इन पदों में आया है तो रिवीजन तो बनता है, तो थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। पहले हम लेते हैं 17वां पद। जी हाँ, 17वें पद में क्या है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहां परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए कितनी बातें हैं यहां पर, 4 बातें हैं, 4 पॉइंट हैं, 4 भाग हैं इस पद के हमने करे हैं, इसकी रूपरेखा जो है इस पद की तैयार की है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम जो संदेश दे रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हर पद की रूपरेखा तैयार करता हूं जिसको आउटलाइन कहते हैं। रूपरेखा जब हर एक पद की तैयार होती है, देखिए सबसे पहले हमने इस पुस्तक की पूरी रूपरेखा तैयार करी, अब पुस्तक की रूपरेखा तैयार हो गई, परंतु जो पद हम पढ़ते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना जरूरी होता है। जब हम उनकी रूपरेखा को तैयार करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। अब यहां 4 बातें हैं और हर एक बात पर हम बात करेंगे। 17वें पद की बात कर रहे हैं हम पहले, यहां पर पहला जो भाग है, पहला जो पॉइंट है उसमें चर्चा करेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 16वें पद में हमने क्या पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह क्या है, ऐसा सूर्य के समान दमकने लगा, सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया। ठीक है, ये ध्यान करिएगा कि प्रकाशित वाक्य एक के 16 में हमने पढ़ा था, उसके उस मुख को देखकर जो था, उसके उस चेहरे को देखकर जो था, जो इतना प्रज्वलित हो रहा था, उससे देखा नहीं गया और वो मुर्दा सा गिर पड़ा। ठीक है, एक बात होती है कि देखा नहीं गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मूसा परमेश्वर का दर्शन करके नीचे उतरा तो उसके मुख से ऐसी किरणें निकल रही थी कि इजरायली देख नहीं सकते थे उसके मुख की तरफ। अब ये सोचिए जिसका दर्शन देकर मूसा आया और मूसा के चेहरे से जो किरणें निकल रही हैं चमक के और इतना शाइनिंग कर रहा है कि इजरायली नहीं देख पा रहे, तो सोचिए परमेश्वर का जब मुख का दर्शन करेंगे तो उसका क्या हाल होगा। यहां पर यूहन्ना का वही हाल हुआ है, यूहन्ना का वही हाल। मगर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब मूसा की बात हुई है तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, निर्गमन 33 अध्याय उसका 20 पद है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। देखिए मूसा ने परमेश्वर से एक निवेदन किया कि प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूं। उसकी ये जिज्ञासा थी क्योंकि भाई परमेश्वर से वो बार बार बात कर रहा है, और परमेश्वर जो है कोई ऐसे आमने सामने बैठ के तो बात करता था, परमेश्वर का वचन कहता है, मगर ये नहीं है कि जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे वो देख सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक आड़ करके बात रहा है
इसलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि मनुष्य जो है उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकता है। देखिए, इस प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश की और सांसारिक प्रकाशों की चमक दमक को एक बार हम देख सकते हैं, सहन कर सकते हैं, एक बार तो हम सूर्य की तरफ भी टकटकी बांधे देख सकते हैं, हालांकि यह भी संभव नहीं है, मगर मान लीजिए हम देख, परंतु परमेश्वर को देखना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, ठीक है तू मैं दर्शन करना चाहता है मगर मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, तू मुझे पीछे से मेरी झलक देख पाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, मूसा को सबसे पहले एक दरार में खड़ा करा, एक पहाड़ के खो में एक पत्थर के पीछे करा, और फिर अपना हाथ इस तरीके से करके वो उसके सामने से चलता हुआ गया और उसकी पीठ की हल्की सी झलक उसको मिली। और देखिए, हल्की सी पीठ की झलक पाकर क्या कहते हैं, मूसा का चेहरा कितना प्रज्वलित। अब यहां पर जो यूहन्ना है, यूहन्ना बिल्कुल फेस टू फेस यीशु मसीह को देख रहा है। अब देखिए, अब किसका दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, इसलिए वो निढाल सा हो गया और वो ऐसे गिर पड़ा जैसे वो मुर्दा है, मुर्दा हो गया, उसके शरीर में जान नहीं रही, जान नहीं रही। और मगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह का मकसद था, उसको जो था बुलाने का मकसद था, इसलिए वो मर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी यूहन्ना को लेकर। वो बशर्ते वो बेजान सा गिर पड़ा, बेजान सा हो गया, वो ऐसा लगा कि उसके अंदर प्राण नहीं है, मगर उसके प्राण को परमेश्वर ने लिया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मकसद कुछ और था। दूसरा पॉइंट यहां पर है 17वें पद में, उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा। देखिए, पिछले संदेश में भी हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर के दाहिने हाथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मगर यहां पर हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम पिछले संदेश में उसके दाहिने हाथ के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। परंतु एक रिवीजन जरूर कर लेते हैं, और रिवीजन सिर्फ मैं ये इतना करूंगा कि जो पद थे पिछले संदेश के उसमें क्या लिखा था वो बताना चाहूंगा। जैसे भजन संहिता 48 उसके 10 पद में लिखा है, उसका दाहिना हाथ धर्ममय है। और यशया 41 10 और 13 में लिखा है, वह अपने दाहिने धर्ममय हाथ से संभालता है और सहायता करता है। और श्रेष्ठ गीत 2:6-8:3 में लिखा है, उसका दाहिना हाथ आलिंगन प्रेम करने का, गले लगाने का हाथ है। और नीति वचन 3:16 में लिखा, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। और ये जो था उसके दाहिने हाथ के बारे में था जो पिछले संदेश में भी हमने सीखा, इसलिए मैंने रिवीजन करा है कि हो सकता है हमारे बहुत से भाई बहन नए आए होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आप पिछले संदेश में जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप दाहिने हाथ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको रेफरेंस इसलिए दिए हैं कि मेरे जो नए प्यारे भाई बहन आए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो जो है इन चीज़ों को नोट कर लें और बाइबल से अपनी स्टडी को पूरी कर लें। अब हम इसका जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है यहां पर लिखा है, मत डर। देखिए, पिछले संदेश में भी हमने ये चीज सीखी थी, मत डरने वाली बात। यशया 41 उसका 10-13 पद में क्या कहता है कि वह अपना दाहिना हाथ से हमें संभालता है और क्या कहता है कि मत डर। यहां पर जो यूहन्ना से बात हो रही है, यहां पर यूहन्ना से वही 41:10-13 वाली बात हो रही है। क्या कह रहा है, अपना दाहिना हाथ रख के देखिए, वहां पर भी दाहिने हाथ का जिक्र है, ठीक है, पिछले संदेश में हमने सीखा था। और यहां पर जो यूहन्ना के साथ जो दर्शन हो रहा है, यूहन्ना जो मुर्दा सा गिर पड़ा है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ रखकर उसके ऊपर रखकर कहा मत डर। वही यशाया वाली बात, देखिए हमेशा परमेश्वर का वचन जो होता है कभी ना खत्म होने वाला वचन है, एक चाहे एक ही वचन है। जैसे यशाया आप 41:10 ले लीजिए, मत डर लिखा है ना, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और तेरे संग चलूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मत डर वाली। तो ये जो है कंटिन्यू दे यशया के समय से जो है चली आ रही है और यूहन्ना तक पहुंची और यूहन्ना से हम तक पहुंची है। यानी परमेश्वर हमें कदम कदम पे ये कहना चाहता है, मत डर, हाँ इधर उधर मत ता, तू मेरी ओर देख। और जब तू लिखा, परमेश्वर का वचन भी कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि करी उनका मुख ना काला होने पाया और एक जगह लिखा लज्जित नहीं होने पाया। क्या परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, हम चलें। इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, जब इजरायली गोलियत से डर रहे थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे, तो दाऊद जो था वो वहां पर गया, क्योंकि दाऊद उस गोलियत से नहीं डरा,
क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हमारे संग है। देखिए, जो ये जानता है कि परमेश्वर मेरे संग है तो वो किसी भी चीज से नहीं डरेगा, चाहे वो शैतान की शक्तियां हो, चाहे दुष्टात्माओं की शक्तियां हो, चाहे इंसान की शक्तियां हो, चाहे राजनीति हो, कूटनीति हो, कितनी भी भयंकर स्थितियां परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर उसको ये एहसास है कि परमेश्वर उसके साथ चलने वाला परमेश्वर है, उसके साथ काम करने वाला है, तो वो कभी भी उसके जीवन में डर नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर का डर होना चाहिए, और परमेश्वर का डर जो होता है वो परमेश्वर के प्रति सम्मान को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है आगे क्या कहता है। इसका चौथा जो पॉइंट है प्रकाशित वाक्य 1:17 का, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं जो हूँ पुराने नियम से दो पद पढ़ना चाहूंगा, फिर नए नियम से पढ़ना चाहूंगा कि ये पद जो है किस चीज को दर्शा रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, ये बात कहां तक पहुंच रही है और किसके लिए पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या लिखा, सबसे पहले मैं यशायाह 44 और उसका 6, मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है, यशायाह में लिखा है, पहले मैं पढ़ लेता हूं। फिर है यशायाह 48 और उसका 12वां पद, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। अब ये परमेश्वर किसके लिए कह रहा, अपने लिए, यानी परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही सबसे पहले हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। और परमेश्वर इस बात को कह रहा है और वो बताता है कि मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं। देखिए, ये परमेश्वर अपने लिए, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसको यहोवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम सृष्टिकर्ता के नाम से जानते हैं, जो जिसने संसार की सृष्टि करी, ये उसका वर्णन हो रहा है। अब ये बात जो है एक सृष्टिकर्ता के बारे में है कि आदि और अंत और पहला और प्रथम और अंतिम सब कौन है, परमेश्वर है। अब जरा नए नियम से पढ़ लेते हैं यहां पर खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, प्रकाशित वाक्य 2:8, जो प्रथम और अंतिम है। देखिए, मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूं। फिर प्रकाशित वाक्य 22:13, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। प्रकाशित वाक्य 1:18, ठीक है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ये 18वें पद को मैंने पढ़ दिया है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये जो है 18वां पद दूसरा हमारा पॉइंट है। परंतु यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 17 का जो हम पढ़ रहे हैं, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। अब परमेश्वर अपने लिए कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जीवित और सच्चा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, और जो परमेश्वर का प्रतिरूप है वो प्रभु यीशु मसीह है। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर प्रकट कर रहा है, और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का, देखिए मैं अपने शुरू से प्रकाशित वाक्य के संदेशों में ये कहता आया हूं, यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है वो एक मनुष्य रूप नहीं देख रहा, वो उसके ईश्वरीय रूप को देख रहा है, जो ईश्वरीय रूप उसका आदि से था, वो आदि का रूप जो है वो ईश्वरीय रूप, वो परमेश्वर का रूप जो है वो उसको उसका दर्शन कर रहा है, उसको परमेश्वर के रूप में देख रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है कि वो आदि और अंत वाला परमेश्वर, जो प्रथम और पहला है, जो पहला और अंतिम है, और जो इकलौता परमेश्वर है, वो इकलौता परमेश्वर कौन है, वो कह रहा है मैं हूं प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को बता रहा है। और यूहन्ना उसको ईश्वरीय रूप में प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के रूप में प्रकट कर रहा है। इसलिए हम जाने यीशु मसीह कोई खिलवाड़ नहीं है कि हम बस जब भी कह देते हैं वो ये है, वो फलाना है, वो दिमाग, अब वो परमेश्वर है, अब वो जो है परमेश्वर के पूर्ण रूप से परमेश्वर की जो है पोस्ट पर है, और वो परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है, वो हमारी सनातन की चट्टान है, और वो उस परमेश्वर का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फिर है प्रकाशित वाक्य 1:18 में हमने क्या पढ़ा था, मैं मर गया था, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, तीसरा पॉइंट, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं मर गया था, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता देख मैं मर गया था। अब यीशु मसीह कहता मर गया था, क्यों मर गया था, क्या कारण था, कारण भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर क्यों मर गया था। और जब कारण पता होता है तो हमें पता चलता है कि क्यों मर गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा,
प्रभु यीशु मसीह हम मानव के पापों के लिए मरा, और वो सिर्फ इस एक किसी विशेष जाति के लिए नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके लिए उसने अपने प्राण दिए, सभी के पापों के लिए अपने प्राण दिए। और वो सिर्फ हमारे ही परमेश्वर नहीं, वो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक धर्म के लोगों का परमेश्वर है, हर एक का परमेश्वर है वो, और वो हर एक के लिए उसने अपनी जान दी। और इसलिए यशाया 53 अध्याय उसके 5वें पद में क्या कहता है, परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए कूटा गया, हमारे अपराधों के कारण। हमारे का मतलब क्या होता है, हम जो अपराधी, देखिए एक अपराधी होता है, अगर आज पुलिस को किसी को चोरी करते पकड़ ले या खून करते पकड़ ले, तो उसको दंड किसको देगी, दंड के उसके भाई को या बहन को या उसके नातेदार रिश्तेदारों को या उसके पड़ोसियों को या उसके मित्रों को नहीं देगी, बल्कि किसको देगी, जिसने अपराध किया है, जिसने हत्या करी है, जिसने चोरी करी है उसको। मगर यहां पर उल्टा है, अपराध, हमारे अपराध, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया, मारा गया। क्यों मारा गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, उसके कोड़े खाने से चंगे होने का मतलब क्या है, कि हम आत्मिक रूप से चंगे हो जाएं। तो आत्मिक जो पाप हमारे हमारे अंदर जो पाप लगा, जो हमारी आत्मा को सड़ा रहा है, जो हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, जो हमें क्या कहते हैं, जो पाप का कोड़ लगा है और हमारी आत्मा को दूषित कर रहा है, उससे हम चंगे हो जाएं। यहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई देते हुए क्या कहा, जा फिर पाप मत करना है, फिर पाप मत करना। ये बड़ी अहम बात है, यानी बीमारी या दुख और मुसीबत का पाप के कारण आती है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को अपने लहू से धो दिया। और ये पहले योना की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यहाँ पर 1 पत्रस 2 अध्याय उसके 24 पद में भी क्या लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वहां पर क्या लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। यहां लिखा है तुम चंगे हुए क्योंकि उसने मार खा ली। अब हम जो हैं पूर्ण रूप से आत्मिक तरीके से हम चंगाई पा चुके हैं। जिसने उसे ग्रहण करा, जिसने उसके लहू को अपने ऊपर ले लिया है, वो पूर्ण रूप से जो है वो चंगाई को प्राप्त कर चुका है। अब जब आत्मिक चंगाई मिल जाती है, तो शारीरिक चंगाई जो है वह अपने ऑटोमेटिक ही अपने आप हो जाती है, प्रभु के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर लिखा है इसके दूसरा है, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, जीवता हूँ। यहाँ प्रकाशित वाक्य 4:10 पद को पढ़ रहा हूँ, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। अब देखिए ये 24 प्राचीन कौन है, ये अभी जब हम जब यहाँ आएंगे तो इन 24 प्राचीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। वो क्या लिखा, वो जो जीवता है, जो युगानुयुग जीवता है, उसके आगे अपने मुकुट को डाल देंगे और उसे दंडवत करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे। हाँ, यानी प्रणाम करने का मतलब, दंडवत करने का मतलब होता है कि उसकी आराधना करेंगे। और वो जो सिंहासन पर बैठा कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के इस रूप को जो है वो दर्शाया जा रहा है। फिर इसका तीसरा पॉइंट है, और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यहाँ पर बड़ा समझने वाली बात है, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। कुंजी का मतलब होता है अधिकार। जी हाँ, अधिकार है। बहुत से आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी या आपके कई जाते होंगे तो अपने घर की चाबी आपको दे जाते होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने घर का अधिकार देकर जा रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मृत्यु की कुंजी अब मेरे पास है, और अधोलोक यानी अधोलोक जो जहां पर मनुष्य को दफनाया जाता है, अधोलोक जहां बहुत लोगों का जो मानना है, लोगों का जो कहना, बहुत सी आत्माएं वहां दफन हैं, वहां पर कैद हैं, या बहुतों के शरीर जो कब्र में पड़े हुए हैं, उसकी कुंजी, उसका अधिकार जो है, यानी मृत्यु पर अब किसका अधिकार हो गया। पहले मृत्यु का अधिकार जो था किसी भी मनुष्य को निकल लेती थी, किसी भी मनुष्य को डस लेती थी, अब जो है प्रभु यीशु मसीह के पास है। तभी तो पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका जब 53, 54, 55 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा,
तू जो निकल जाती थी अब क्यों नहीं निकल रही है, अब क्यों नहीं सबके ऊपर हावी हो रही है? इसलिए हावी नहीं हो रही है क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु की जड़ को खत्म कर दिया। अब मृत्यु की जड़ क्या है, पौलुस फिर रोमियो में कहता है, और पाप की मजदूरी क्या है, पाप की, ध्यान दीजिएगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, यानी उस मृत्यु की जड़ को खत्म कर दिया। यानी पाप जब जीवन में आता है, जब पाप होता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यीशु मसीह जब आया तो उसने सारे पापों, पापियों को खत्म नहीं करा। वो कहता है मैं पापियों को नाश करने नहीं आया हूं, मैं पाप को नाश करने आया हूं। उसने हमारे अंदर से उन पापों को नाश कर दिया, और जब पाप नाश हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या था, वो मृत्यु खत्म हो गई। वो मृत्यु कहां, आदम के जीवन में जो मृत्यु आई थी। आदम के पास क्या था, अनंत जीवन था, बहुतायत का जीवन था, कभी ना खत्म होने वाला जीवन था। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब आदम ने पाप करा और पाप के कारण मृत्यु आई और उस बहुतायत के जीवन को खत्म कर दिया, तो यीशु मसीह आया। लिखा ना योहन्ना, आप 10 अध्याय पढ़ेंगे जब, तो वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह आया, जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। जी हाँ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। योहन्ना 11:25-26 में कई बार इसको बता चुका हूं कि उसमें क्या लिखा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। यानी कभी ना खत्म होने वाला जीवन जो है वो प्रभु देने आया। अब उसका अधिकार जो है, मृत्यु का अधिकार नहीं रहा, अब मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और वो परमेश्वर के लोगों पर जो है, मृत्यु अब अपना जाल नहीं बिछा सकती, अपना अधिकार नहीं कर सकती है। जी हाँ, यीशु मसीह ने वो अधिकार खत्म कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर वो कहता है मेरे पास हैं, फिर ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:19 में क्या लिखा हुआ है, जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, उन सब को इसमें लिख ले। देखिए ये इसमें क्या है, इसमें तीन बातें हैं कि जो बातें तूने देखी हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर तीन प्रकार की चीजें, जो बातें तूने देखी हैं। अब वो बहुत सी बातें उसने क्या देखी थी, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखा, ये उसकी, उसको जो ताड़ना मिली है, उसको जो सलीब पर लटकाया गया है, उसके हाथ पैरों में जो कीले ठोकी गई है, उसको जो कांटों का ताज पहनाया गया है, ये सारी चीजें उसने अपनी आंखों से देखा है। कलीसिया का जो सताव है वो उसने अपनी आंखों से देखा है। प्रभु यीशु मसीह का, जो मसीही लोग जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास करा, उनके सताव को उसने देखा है, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है, किस तरीके से उन्हें मार डाला गया है, किस तरीके से उनको जो है जंगली जानवरों के बीच में डाल दिया गया है, किस तरीके से उनको जिंदा जला दिया गया है, किस तरीके से बड़े जानवरों की खाल को उतारकर और उनको खाल में डालकर और उनको सी दिया और उनको रेत पे डाल दिया गया है। सोचिए कितनी भयानक मौत है, किस तरीके से जो है वो सारी चीजें यूहन्ना ने देखी है। वो कहता है वो भी लिख, उसको उसको जो है उसको भी लिख ले, उनके भी भेद है, उनकी भी बहुत सी चीजें, हर एक चीज का भेद है। जी हाँ, मैं एक एग्जांपल ही दूंगा, यीशु मसीह के ले लीजिए, कांटों का अपना भेद है, कीलों के, हाथ पैरों के कीलों के ठुकने का अलग है, 39 कोड़ों का, एक एक कोड़े का अलग अलग भेद है। वो लिख, यूहन्ना सब कुछ जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें तूने देखी हैं और फिर है, और जो बातें हो रही हैं, उस समय जो हो रही थी, उस समय की सताव की बात मैं कर रहा हूँ, यूहन्ना के साथ ही बहुत प्रॉब्लम हुई है, उसको भी क्या कहते हैं सताया गया है, और किस तरीके से वो जो बातें उस समय हो रही थी, यहाँ पर जो है वो लिख ले। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए इतने कलेश के बाद भी उन्होंने भाईचारे को नहीं छोड़ा। आज तो भाईचारा है ही नहीं, जो कहते हैं ना, जिनकी अपनी अपनी कलीसियाओं जो नाम बने हुए हैं, उन कलीसियाओं में देख लीजिए, आप किसी भी कलीसिया में रहते हो, आप उसमें ही देख लीजिए, किसी भी कलीसिया में भाईचारा तो है नहीं। प्रत्येक दिन रोटी तोड़ते थे, रोटी तोड़ने का मतलब है संगति करते थे, रोजाना संगति करते थे। आज तो हफ्ते में एक बार चर्च चले जाए वही बहुत है, हफ्ते में एक बार संगति करना मुश्किल हो जाता है। लोग जो होते हैं दो दो तीन तीन महीने के बाद आते हैं, आते ही नहीं है, है? अपना अगर कोई काम निकले आया तो क्या आज वर्शिप का दिन है, अपना काम निकले आया तो वर्शिप छोड़ देंगे अपने काम के चक्कर में। प्रभु की वैल्यू कहाँ है? और जब तुम्हारी नजरों में प्रभु की वैल्यू नहीं है तो प्रभु कहता छोड़ो, जब तुम्हारे तुम मेरी वैल्यू को नहीं समझ रहे तो मैं क्यों समझूंगा। तो ये सारी चीजें, और वो कह रहा है इसलिए लिख,
कि पहले के लोग क्या करते, इतना कलेश, इतनी यातनाएं, इतनी मुसीबत सहने के बावजूद भी उनके बीच में भाईचारा रहता था और प्रत्येक दिन प्रभु की आराधना करना और परमेश्वर की स्तुति करना, प्रभु के गुणगान गाना, संगति करना, आपस में बैठना, आपस में बोलना, ये सारी चीजें होती थी। और आज ये चीजें किसी भी कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में नहीं पाई जाती हैं मेरे अजीजों। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन जो कहता है, फिर उसके और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो बातें उसके बाद होने वाली हैं। अब ये बात जो है भविष्य की बात है। जी हाँ, अब भविष्य में क्या होने वाला है ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है और इसी के बारे में तो हम स्टडी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तब हमें पता चलेगा हाँ क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, हैं, क्या परमेश्वर करने जा रहा है, इस दुनिया का अंत कैसे होगा, इस दुनिया पे कैसी कैसी मुसीबतें आएंगी, कितनी कितनी प्रॉब्लम आएंगी, कौन कौन से, और अब आ भी रही हैं। प्रकाशित वाक्य की बहुत सी बातें पूरी भी हो रही हैं। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ते चले जाएंगे फिर देखेंगे कि कौन कौन सी बातें पूरी हो चुकी हैं, कौन कौन सी पूरी होने वाली हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आने का और इस दुनिया का अंत का जो समय है कितना निकट है, कितना नजदीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार एक बात कहेगा जब हम सात कलीसियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि मन फिरा, पहले जैसे काम कर, मन फिरा, पश्चाताप कर, बुराई को छोड़ दे। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो आइए भविष्य की बातें जानने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें और इस वीडियो को देखते रहें ताकि प्रभु की आशीष प्राप्त करें और प्रभु के राज के वारिस हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।